स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब यदि आपको 50 का स्क्वायर कर दे या 42 का पूछे वर्ग कैसे निकालेंगे, अभी तक हम लोग किस अंदाज से बनाते थे, आज के बाद हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, अथवा 3 डिजिट का कोई संख्या दिया हुआ इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, अथवा 10 एक दे दिया है इसको बोल दिया जाए इस ढंग से कैसे हम गुना करेंगे, अथवा 65 गुना 65 का रिजल्ट हम सेकेंडों में कैसे निकालेंगे, क्रम वाइज से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2 डिजिट वाला, कितना डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला। कभी कभी क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा उस चीज को हम बारीकी से देखते चलेंगे। यदि 2 डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे इसका जो रिजल्ट निकलेगा इसका 2 गुना या 2 गुना से 1 कम, 2 गुना का मतलब कितना, इसमें 2 डिजिट था तो 2 गुना कितना 4, इसका जो रिजल्ट निकलेगा इसका रिजल्ट जो निकलेगा इसमें कितना अक्षर होगा 4 अक्षर होगा, 2 गुना होगा नहीं तो 2 गुना से 1 कम होगा, अथवा कितना अक्षर होगा 3 अक्षर होगा। क्या समझे आप, यदि 2 अक्षर वाला का बात हो, मान लेते हैं 13 का स्क्वायर निकाले, 13 का स्क्वायर कितना 169, तो इसमें कितना अक्षर रिजल्ट आया 3 अक्षर। हम बताए थे यदि 2 अक्षर वाला यह बात रहे इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो 2 अक्षर वाला बात है इसका रिजल्ट कितना 2 दूनी 4 अक्षर वाला होगा नहीं तो 1 कम कितना अक्षर 3 अक्षर, 3 अक्षर वाला रिजल्ट हुआ है। अब यदि हम मान लीजिए 25 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 625, इसमें 2 अक्षर था रिजल्ट मेरा कितना 3 अक्षर, 2 दूनी 4 और 1 कम कितना 3। अब मान लीजिए हम करते हैं 40 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 1600। 40 का स्क्वायर कितना 1600, यहाँ 2 अक्षर था इसका रिजल्ट कितना अक्षर हुआ 4 अक्षर, कितना अक्षर 4 अक्षर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि 2 अंकों वाली संख्या इसका यदि हम वर्ग करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा उसका संख्या कितना होगा, उसमें डिजिट कितना होगा, 3 अक्षर होगा 4 अक्षर होगा कि 3 और 4 दोनों होगा इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारेंगे, मतलब जितना अक्षर का बात रहेगा उससे 2 गुना होगा नहीं तो 2 गुना से 1 कम। इसी ढंग से 3 अक्षर वाला का भी बात होगा, यदि 3 अक्षर वाला बात है इसका यदि हम वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा 3 दूनी कितना 6 और 1 कम यदि करेंगे कितना 5, इसका मतलब ये 3 डिजिट वाला जैसे 101 से लेके कहां तक चलेगा, 100 से 3 अक्षर वाला कहां तक चलेगा 999 तक, 100 से लेकर 999 तक जो भी संख्या आएगा इसका जो हम स्क्वायर करेंगे उसके अंकों की संख्या जो होगी 6 होगा नहीं तो कितना होगा 5 होगा। यदि हम 4 अंक वाला संख्या कुछ भी लेते हैं, मान लें 999 चाहे 4 अंक वाला 1000 लेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा 1000 से लेकर 999 तक इसका जो रिजल्ट होगा इसमें अंकों की संख्या पूछेगा कितना होगा, जब 4 अक्षर था अंकों की संख्या 4 दूनी 8 नहीं तो 1 कम कितना 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब हम सिखाएंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे किसी भी संख्या 2 डिजिट का संख्या है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे सेकंडों में। मान लीजिए हमको दे दिया गया 42 का स्क्वायर निकालो, मतलब कि 42 का स्क्वायर बनेगा नहीं तो इसी को चेंज करके क्या बनेगा 42 का वर्ग का मतलब पावर कितना 2। अभी तक हम लोग क्या क्या करते आ रहे थे बचपन में कर रहे थे 42 पर पावर 2 मतलब 42 गुना 42 इसको गुना करते थे 8 4 4 2 8 4 16 4 हो गया 6 हो गया यही करते थे ना, लेकिन अब ये हमको नहीं करना है। मान लीजिए इससे बड़ा डिजिट आ गया और कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो हम सेकेंडों में कैसे बनाएंगे उस चीज को देखो। बोला कि 42 का स्क्वायर करना है, बोला ठीक है अच्छा बात है, 2 अक्षर है इसका हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे सब में एक फंडा हम यूज करेंगे और किसी भी चीज यदि 2 संख्या वाला है सब बन जाएगा। 2 संख्या वाला कहाँ से स्टार्ट 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, इसका मतलब 10 से लेके 99 तक के स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है, ये फंडा हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या क्या करेंगे उस चीज को देखो। बोला 2 गो बॉक्स बना लीजिए, 2 गो बॉक्स बना लिए, बोला ये 2 का स्क्वायर लिख दीजिए 4 था आगे कुछ नहीं था कितना 0 और 4 का स्क्वायर कितना 16। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अब क्या करना है, अब दूसरा जो चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो जो डिजिट है इसको गुना करना है एक्स्ट्रा में 2 से गुना करना है 4 दूनी 8 दूनी 16, एक अक्षर को छोड़ के एक अक्षर क्रॉस कर दे इसका रिजल्ट लिख दे 2 दूनी 4 4 दूनी कितना 16, कितना 2 दूनी 4 4 6 16, इसको देखो जोड़ते हैं 4 6 7 1 आया 17 64
यहाँ तक किसी को दिक्कत? यदि हम किसी संख्या को लेते हैं, मान ले हम 49 का स्क्वायर लेते हैं, कितना का स्क्वायर? थोड़ा सा पल के लिए परेशानी होगा लेकिन फिर आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 9 का स्क्वायर कितना? 81। और 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब क्या करते हैं, पहला बॉक्स में क्रॉस दे दिया, अब इसको गुणा करते हैं, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 1 हो गया, 8 दो 10, 6 7 13 14, देखो 49 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 2401। कोई दिक्कत? यदि हमको बोल दे 36 का स्क्वायर निकालना है, कितना का स्क्वायर? 36। सेम फंडा वही करेंगे, 36 छोटा का कितना? 36। और 3 का स्क्वायर 9 था, कुछ नहीं था, कितना लिख दिए? 09। दोनों बॉक्स भर गया, फर्स्ट स्थान ब्लैंक कर दिए, इसको गुणा करेंगे, 24 18 है, 2 एक्स्ट्रा 18 दूनी 36, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 3 12 कितना? 1296। मान ले आपको दे दिया 81 का, आप स्क्वायर निकालिए, किसका स्क्वायर? 81 का स्क्वायर। तो हम क्या बोल रहे थे, दोनों डिजिट का बॉक्स ही भरना है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ 2 अक्षर वाला लिखना है, आगे में कितना? 0। आगे में कितना? 0। ये नहीं केवल 1 लिख देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना? 64। लिख दिए 64। अब तो हम क्या करते हैं, पहला बॉक्स कहानी खत्म, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 6 5 6 आंसर। कोई टाइम लगा? मान लेते हैं हमको दे दिया 83 का स्क्वायर निकालिए, कितना? 83 का, ये 93 का स्क्वायर दे दिया, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना? 9। 2 अक्षर 2 9 में भरना है, कुछ नहीं, कितना भर दिए? 0। और 9 का स्क्वायर कितना? 81। फिर अपना जो इंश्योरेंस करते हैं इसका करते हैं, 9 दिया 27, 27 दूनी 54, 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और कितना? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम गुना करेंगे, आपका रिजल्ट क्या होगा? यही होगा। दो अक्षर वाला में किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे हम बात करते हैं, यदि तीन संख्या वाला, तीन संख्या वाला सबसे छोटी संख्या कितना? 100। और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना? 999। इसके आगे हम बात करेंगे कि 100 से लेके 999 तक स्क्वायर यदि हम निकालेंगे तो कैसे हम निकालेंगे। अभी तक मान ले हमको दे दिया रहता किसी भी संख्या को देता है, यदि 501 का वर्ग बोलता है, 501 का स्क्वायर कीजिए, 501 का क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए। हम बैठ के शुरू करते 501 गुना 501, फिर 1 से इसको पहाड़ा पड़ते 501, फिर 0 से करते 0, फिर 5 से करते 5 का कितना? 5 5 0, बचे कितना? 25। मेरा रिजल्ट आता 1 0 5 5 10 0 5 1 1 2 5, यही रिजल्ट आता। तो बोला टाइम तो इसमें बड़ी लग गया, अब जल्दी कैसे बनाइएगा उस चीज को देखो। बोला 501 का स्क्वायर करना है, टेंशन नहीं लेना, क्या करेंगे उस चीज को देखो। बोला पहले जोड़ा बनाएंगे, दो दो को का, कितना का? दो दो को का। अरे जब इसमें तीन को बात है, इसका रिजल्ट क्या को होगा? 6 को, नहीं तो 5 को। तो पहला हम बना दिए कि तीन को घर हम बना दिए इसके रहने के लिए, बना दिए तीन को घर के सामने, क्या क्या आदमी रहेगा? दो दो आदमी रहेगा कन्फर्म। अब इसमें क्या के इसको जो हम फाइव करके दो दो पार्ट बना दिए, दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट बनाने के हम बनाए थे, दो पार्ट में क्या करते थे, इसका स्क्वायर इधर में लिख देते थे, एक का स्क्वायर कितना? 1। और ये 5 वाला इधर था, इसका घर का मान लिख देते थे, एक कर देते। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करते थे, 5 गुना 1 कितना? 5। और दूसरे और गुना करते थे, 5 दूनी कितना? घर में भर दिए, देखो मिला 25 10 0 1, मिला कि नहीं मिला? आगे देखो, आगे यदि हमको दे दिया मान ले 203 का स्क्वायर करना है, कितना? 203 का। कहानी स्टार्ट करते हैं, घर क्या को? 3 को। 3 का स्क्वायर कितना? 9। और 4 का स्क्वायर कितना? 4। ये बीच वाला घर में क्या भरते हैं? 3 दूनी कितना? 6 6 दूनी 12। तुम गुना करके, इसके आगे कुछ नहीं है, आगे वाला जीरो का वैल्यू नहीं होता लेकिन पीछे में जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू होगा। इसका रिजल्ट कितना होगा? 41209। 567 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? कितना का निकालना है? 567। क्या क्या बताए थे हम? पहला बताए थे इसको और इसको, पहले अलग अलग कर दिए, उसके बाद बॉक्स इसमें क्या हो? 3 को। कितना? 3 को। अब हम जब 3 को बॉक्स बना दिए, 5 का स्क्वायर यहाँ घर में लिख देंगे, कितना? 25। अब इस 67 जो बच गया, इसका स्क्वायर इस बॉक्स में लिखते हैं, और इसके पहले हम सिखाए थे 67 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 का
36 आई वाला कहानी खत्म, 42 है, 42 दूनी कितना 84, ये 9 हो गया, 4 4 8, 6 8 14, 3 है कितना 4, इसका मतलब कितना 44 89, जब 44 89 हो गया, लेकिन ये बॉक्स में लिखेंगे दुए को अक्षर दो को से अधिक नहीं रखेंगे, मेरा बाकी कितना हो गया 44। अब कहानी सिखाए थे ये वही पार्ट है, वही पार्ट इसको गुना करते हैं, एक्स्ट्रा में कितना गुना करते हैं 2 से, 2 5 से 10, 10 गुना 67 कितना 670, अब बाकी मेरा था कितना 44, 4 की 4 है 7, 4 11 और 6 है कितना 7, ये बोल रहा था हमको लिखिए ये घरवा में कितना 714, ये घर वाला के पास पहुंचेगा, मेरे घर में 714 आदमी एडजस्ट कर दो, ये बोला कि दूए आदमी को हम लेंगे, दूगो से बेसी नहीं लेंगे, ये पीछा वाला 14 लिखा गया, बच गए हैं कितना 7, इसको बोला तुम किसके घर में ठेल देते हैं, 25 और 7 कितना 25 और 7 32, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि 112 का वर्ग क्या होगा, 112 का वर्ग क्या होगा, अब सेम फंडा वही अपनाएंगे, 112 का लिखना है, ठीक है 112 का लिखना है, इसको पहले अलग अलग कर दिया दो भाग में, एक पार्टी वाला एक पार्टी वाला, अब क्या 3 को बॉक्स इसके लिए रिजल्ट के लिए, अब देखो 1 का स्क्वायर 01, 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का रिजल्ट कितना 144, एक वाला घेर देंगे का है, घर वाला बोला था दूए को रखेंगे, दूगो से अधिक नहीं रखेंगे, इसके लिए आने के लिए तैयार है, अभी बीच वाला क्या करता है इसको गुना करता है, 12 गुना एक कितना 12, और दूसरे गुना के 12 दूनी 24, और एक बाकी था यहाँ 24 से कितना 25, इसका मतलब मेरा रिजल्ट है 1 2 5 और 4 और कितना 4, तो आसान है, 3 डिजिट का वर्ग कैसे हम निकालेंगे नहीं, तो इसमें होमवर्क रहा अपने से जो है प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, दो अक्षर वाला हम सिखाए, मान ले 10 से लेके कितना तक 999 तक का स्क्वायर, अपने मन से जो संख्या हो एक्सपेरिमेंट के लिए संख्या हम लेते चलेंगे और प्रैक्टिस क्या करते चलेंगे करते चलेंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और स्क्वायर कैसे निकालते हैं या गुना कैसे करते हैं उस चीज को सिखाएंगे।